लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को भी हालात मखदूश नजर आने लगे। मुल्क को मौशी तबाही के धाने पर पहुंचाने वालों को मौशी और सियासी दहशतगर्दी के खतरात की फिक्र लाहक हो गई है। कहा इल्म है कि आवाम मुश्किल में है, हमें सियासी जंग उनकी सतह पर आकर नहीं लड़नी, गालम गलोज की सियासत का कल्चर बंद होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने कहा कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। उनको मजीद वक्त मिल गया तो पीडीएम का हर बंदा वजीर होगा, ये चाहते हैं कि उनकी जात के फायदे के लिए मुल्क का नुकसान हो जाए। आवाम से डर कर तो ये लोग भाग रहे हैं। हालात बड़े मखदूश है, हालात बड़े फिक्रमंद करने वाले हालात हैं, लेकिन जिस तरह उन हालात से हम निकले थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन हालात से भी निकाले। हम नेक और साफ सुथरी रवायात के अमीन हैं, हम गाली गलौज वाली जनरेशन नहीं है, वो नस्ल नहीं है, ना हमारी नौजवान नस्ल जो है गाली गलौज की है। अगर हम मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो ये फिर मुल्क आगे कैसे चलेगा। कि ये आइंदा 2-3 महीने इनको और मिल गए तो कोई ऐसा पार्लियामेंटेरियन जो पीडीएम का हिस्सा वो बचेगा नहीं जिसको स्टेट मिनिस्टर या फेडरल मिनिस्टर का ओहदा नहीं दिया जाएगा। एक ऐसी हुकूमत जो ये चाहती है कि मुल्क के नुकसान के एवज इनकी ज़ात का फ़ायदा हो जाए और इंतखाबात के रास्ते में किसी तरीके से रुकावट डाली जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।